हेलो बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं सेवेंथ क्लास का ये टॉपिक है जिसमें आपके बुक में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मैं यहाँ पे आपको आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दी हूँ, डायग्राम के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग पाथवे देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन का क्या पाथवे होता है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला पाथवे जो दिया हुआ है वो है नॉस्ट्रल्स। तो नॉस्ट्रल्स के पहले आप नोज और नॉस्ट्रल दोनों में से किसी एक को बोल सकते हो, है ना। नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद दिया हुआ है ट्रैकिया, ट्रैकिया TRACHEA, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद दिया हुआ है ब्रोंकी। मैं सब आपको बताती हूँ फिगर में, BRONCHI, ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद लंग्स, LUNGS, लंग्स। ये पाथवे है किसका, रेस्पायरेट मतलब ऑक्सीजन के हमारे बॉडी में जाने का ये पाथवे, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग पहुंच इसको देखते हैं। जैसे देखिए, फैरिंग्स ये आपको वाइंड पाइप में दिखा रही हूँ जो नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे आप अपना फेस एज्यूम कीजिए और उस फेस में नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड ये वाइंड पाइप एज्यूम कीजिए। उसके बाद इस ये जो पाइप है इसको बोला गया है फैरिंग्स। फैरिंग्स के ठीक नीचे यहाँ पे है लैरिंग्स, जो थोड़ा सा बल्ज है, जो यहाँ पे प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। यही यही साउंड बॉक्स होता है ना। उसके नीचे वाला जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है वो ट्रैकियल रिंग कहलाता है। इसी ट्रैकियल रिंग के कारण ये पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपस में मतलब ये अलग अलग रहता है, ये आपस में चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है। तो यही रिंग जो है इन दोनों को अलग अलग पोजीशन पे रखता है और यहाँ पे वैक्यूम मतलब खाली स्पेस बना रहता है इस ट्रैकियल रिंग के कारण, जिसके कारण यदि एयर आता है तो इजीली वो पास हो सके लंग्स में, ठीक है। तो ट्रैकिया के बारे में समझ गए। ये मैं दिखा रही हूँ एक बहुत ही रफ डायग्राम है, चेस्ट कैविटी है, इस थोरासिक कैविटी भी इसको कहते हैं। इसी चेस्ट कैविटी में वन पेयर लंग है, यहाँ पे वन पेयर लंग्स है। और ये लंग्स किससे जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए, जो वाइंड पाइप ऊपर से आ रहा है उसी वाइंड पाइप से ये जुड़ा हुआ है। इस वाइंड पाइप को जब ये चला आ रहा है चेस्ट कैविटी में, तो इसी को बोला गया क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वाइंड पाइप ट्रैकिया, ये इसके बाद फर्दर इसमें ब्रांचिंग हो रहा है और उसके बाद ट्रैकिया कहलाएगा क्या, ट्रैकिया कहलाएगा आपको ब्रोंकस, ब्रोंकस, ये ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, मतलब जहां से ये सैक जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा सैक जैसा स्ट्रक्चर है, तो जिससे ये सैक जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसको बोला गया ब्रोंकी। उसके जिससे छोटे छोटे ब्रांचेस लगे हुए हैं वो इससे ये कहलाएगा ब्रोंकस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो भी नाम है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ये सब वाइंड पाइप के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज का नाम है। बस इसमें कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद से देखिए, लास्ट में यहाँ पे बहुत सारे राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे जिसको सैक कहते हैं। सैक का मतलब होता है कैसा सैक, तो इसी सैक में एयर जब यहाँ से ऑक्सीजन चलता है, सपोज कीजिए ऑक्सीजन इनहेलेशन हुआ, ऑक्सीजन का क्या होगा, इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब तो आप जानते होंगे, आप अच्छे से पढ़े हैं इसके पहले वाले क्लास में। इनहेलेशन मतलब टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अब नोज पाइप के द्वारा लंग्स में जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन के द्वारा ऑक्सीजन आया ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंकस से ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल से होते हुए कहाँ पहुंचा, लंग्स में पहुंचा। लंग्स के किस पार्ट में पहुंचा, ये देखिए, ये बहुत सारा एयर सैक है ना, इसी को बोलते हैं सैक, सैक, SAC, सैक, एल्वियुलर सैक कहते हैं इसको। क्या कहेंगे बेटा, एल्वियुलर सैक कहेंगे, ठीक है ना, विजिबल है आप लोगों को, ठीक है। ये एल्वियुलर सैक है ना, और इसी सैक में ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे आता है। ये एल्वियुलर सैक जो होता है ना, ये ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है, ये ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है। और आप जानते हैं कि जहाँ भी ब्लड कैपिलरीज का पहुँच होगा वहाँ तो ब्लड जाएगा ही जाएगा, है ना, वहां तो ब्लड है। तो देखिए, ये ब्लड कैपिलरीज है, रेड रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये ब्लड कैपिलरीज है और यहाँ तक ब्लड की पहुंच है।
तो अब आप समझिए कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चले जाना है, ब्लड में चला जाना है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस ये जो ब्लड में CO2 है वो कहाँ चलाएगा, एल्वियोली में चलाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, एल्वियोली में चला जाएगा। तो इस तरह से लंग्स के एल्वियोलर सैक में एयर का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन ब्लड को दिया जा रहा है और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलर सैक को दिया जा रहा है। तो रेस्पायरेशन का यही तो मकसद है कि ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक पहुंचे और जो बॉडी से में अवेलेबल CO2 है वो एक्सहेलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाए। अब देखिए ये CO2 यहाँ पे आया, ये CO2 इसी पाथ से होते हुए बॉडी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा CO2। तो इसको एक्सहेलेशन कहेंगे, इसको इनहेलेशन कहेंगे, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। पढ़े हैं ना आप ब्रीदिंग, तो यही यही आपको पढ़ना था आपके बुक में। तो देखिए यहाँ पे एयर एक्सचेंज हुआ, अब उसके बाद से न्यू टर्म आपके बुक में दिया हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। देखिए बच्चों, ये जो ग्रीन वाला ग्रीन कलर का है ना, ये ग्रीन कलर का जो है ये डायफ्राम है, मतलब चेस्ट कैविटी यहीं तक है, ब्लू कलर तक जहाँ का एंडिंग है ना वहीं तक है। इसके बाद ये वाला जो रीजन है वो स्टोमक रीजन चलाता है और इसी को डायफ्राम कहते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में सी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये अब मसल्स एरिया, मस्क्यूलर एरिया हो गया कम्प्लीटली। अब इधर आपको बोन नहीं मिलेगा, अब बैकवर्ड साइड पे बोन मिलेगा हिप के साइड, स्पाइनल कॉर्ड के साइड, लेकिन फ्रंटल बॉडी पार्ट में अब यह स्टोमक वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो ये डायफ्राम के से ही स्टोमक रीजन शुरू होता है, इसके ऊपर थोरासिक रीजन, दैट मींस चेस्ट कैविटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख लीजिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, मैं वो भी बताती हूँ आपको। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में होता ये है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन जाता होगा, ये सेल है, बॉडी सेल में बना रही हूँ, ये एल्वियुलर सैक नहीं है, ये बॉडी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सपोज कीजिए कि आपको बहुत सारे वेसिकल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाता है ना सेल में। तो चलिए ये सेल है, तो आप सपोज कीजिए सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है, बट मैं यहाँ सेल्स लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि सेल, इसी सेल से हम बने हुए हैं, हमारा बॉडी का कंस्ट्रक्शन इसी सेल से हुआ है, तो जब हम लाइव्ड हैं तो हमारे बॉडी के सेल भी तो लाइव्ड हुए ना, ये भी तो लाइव होंगे। तो ठीक है, तो जब ये लाइव्ड हैं तो इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, दैट मीन्स सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अभी तक तो ऑक्सीजन पहुंचा लंग्स और लंग्स से फिर ब्लड में पहुंच गया, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज रहेंगे और फिर उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया। कैसे हो जाता है, उसमें कैसे ब्लड में चला जाता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, तो ब्लड में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं बच्चों उसको। ठीक है, अब देखिए ये हीमोग्लोबिन एक तरह का सब्सटेंस है जो ब्लड में पाया ही जाता है, और यही हीमोग्लोबिन के कारण ये ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया ही जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये ऑक्सीजन जो सेल में मतलब एल्वियोली में पहुंचा वो उसके साथ कंबाइंड हो पाता है। ये ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड के टच में आता है ये हीमोग्लोबिन उससे कंबाइंड हो जाता है और अपने आप में ऑक्सीजन, दैट मीन्स ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन को क्या करता है, घोल लेता है, उसमें चला जाता है, और इस तरह से फिर ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन चला गया तो ब्लड कहाँ जाता है, तो वो तो आप जानते हैं कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट से होके गुजरता है ब्लड। तो इस तरह से बॉडी बॉडी के प्रत्येक सेल से होते हुए क्या गुजरेगा, ब्लड गुजरेगा। अब ये जब ब्लड का फ्लो सेल के पास आएगा है ना, जब यहाँ पे ब्लड आया तो उसमें से क्या करेगा, आपका सेल ले लेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या ले लेगा, ऑक्सीजन आपका सेल ले लेगा, और इसी में कौन रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज कीजिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को कौन लेगा, इस सेल का कौन सा पार्ट लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया लेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फूड को, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लस ऑक्सीजन ये क्या करेगा, फूड को ब्रेक करके क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा। तो आप समझ रहे हैं ना,
कि रेस्पायरेशन कैसे रेस्पायरेशन जो होता है वो कैसे फूड के साथ मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है या फूड को ऑक्सीडाइज करता है और उसके बाद एनर्जी बनाता है। तो ये सारे प्रोसेस चूंकि सेल के अंदर हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर तो कहेंगे क्योंकि सेल के अंदर, रेस्पायरेशन इसलिए कि ऑक्सीजन तो रेस्पायरेशन के दौरान ही ना बॉडी के अंदर एंटर किया, तो इसीलिए कहेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। दैट मीन्स रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन बॉडी में एंटर किया, उसके बाद वो सेल तक पहुंचा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके साथ कंबाइन करेगा और जो फूड हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी बनाएगा। एक केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, मैं वो भी समझा देती हूँ। अब देखिए ये केमिकल फॉर्मूला देखिए आपके बुक में दिया हुआ है और ये है आपको फूड। अब C6H12O6 को हमने बोला कि ये है फूड। अब ये फूड आप कैसे बोल सकते हैं, आप बोलोगे इसी के बारे में आप क्यों बात कर रही हैं। ठीक है, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, या तो प्लांट प्रोडक्ट करते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। और प्लांट अपने आप में फूड के रूप में क्या प्रोड्यूस करता है, C6H12O6, यही ना प्लांट का फूड है। तो इसी फूड को हम कंज्यूम करते हैं, चाहे आप प्लांट खा रहे हैं, ग्रीन प्लांट खा रहे हैं, तो इसमें फूड जो अपने लिए बनाया वो मतलब फूड के फॉर्म में ये यही बनाया है प्लांट ने, आप अपने आप के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये फूड इसलिए यहाँ पे बात हो रही है, दैट मीन्स आप प्लांट खाओ या प्लांट प्रोडक्ट खाओ उसमें हमको ग्लूकोज ही तो मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही तो मिल रहा है। इस कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन जो रेस्पायरेशन के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर किया वो दोनों आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइन होके फिर क्या किए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हुए। ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है इसका, लेकिन हमें हमारे बॉडी को क्या मिला, एनर्जी मिला। इस एनर्जी को ATP भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये तो कहने का सेंस है कि हम लोग जो भोजन कंज्यूम करते हैं, रेस्पायरेशन कंज्यूम करते हैं, उसका फाइनली उससे हमको फाइनली क्या मिलना है, तो एनर्जी मिलना है। तो एनर्जी तो मिल गया, अब इस एनर्जी को हमारा बॉडी का सेल, बॉडी का सिस्टम यूज करेगा और फिर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, चूंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है तो इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। एक और बात दिया हुआ है एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए इसी केमिकल रिएक्शन में आपको समझा देती हूँ, चूंकि फूड को ब्रेक करने के लिए यहाँ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन, मान लीजिए किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है ना, तो ये फूड का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा है ना, तो बनने को एनर्जी बन जाएगा लैक्टिक एसिड। कहने का सेंस है कि हमारे बॉडी सेल को चाहिए था एनर्जी, और एनर्जी तभी मिलेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। किसी कारण से ऑक्सीजन नहीं मिला तो एनर्जी नहीं बनता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एनएरोबिक रिएक्शन। दैट मीन्स जहां ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो उस केमिकल प्रोसेस को, रिएक्शन को एनएरोबिक कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। बस इतना ही तो आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।